आपको अपने मुल्क की, अपने कंट्री की अहमियत तभी पता चलती है जब आप किसी और कंट्री में जाते हो और आपके साथ कैसा बिहेव होता है। हेलो गाइस, दिस इज मून खान फ्रॉम पाकिस्तानी रिएक्ट्स। हाय गाइस, दिस इज मी अक्सा मलिक वंस अगेन ऑन पाकिस्तानी रिएक्ट। आज कुछ सीरियस अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। वो क्या है? वो ये है कि प्राउड टू बी इंडियन बाय मोहम्मद सादरीवाला। शायद ये प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ी गलत है। सादरीवाला, मोहम्मद सादरीवाला, इसने कोई अपनी स्टोरी सुनाई है? वो अब हम तो लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे पाकिस्तानी रिएक्शन दो, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये तो हमें देख के पता चलेगा कि हम इस पे क्या रिएक्शन दे सकते हैं या ये वीडियो क्या है। हम अपनी वीडियो की तरफ तो मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू ऑलरेडी आर सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टुवर्ड्स Proud to be born in India. 1, 2, 3, start. By tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफी करीब है हमारे घर से, हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। Okay. तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफी दूर एक मुल्क है इराक, वहाँ पे नजफ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोजे है, मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों, उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो दो तीन दिन टूर के खत्म हो चुके थे, तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो जायरीन के जो फुटफॉल्स है काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाजार आता है जहाँ पे काफी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीजों को बेचते हैं। वो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज आई, वो एक बच्चे के वहां से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो जोर जोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी जबान में कह रहा था, दो बहनों में से एक को अरबी जबान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराकी में, इराकी वहां की करेंसी है। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोजे की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी, दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराकी देंगे 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 1700 इराकी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की, फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे, देख लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद पैसे देने की बारी आई। पैसे दिए उस लड़के को, पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी, उन्हें पता था कि मैं खुद एक, मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है, तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूं, अम्मी है और एक छोटी बहन है, मैं काम करता हूं और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूं। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वालिद नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहां से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए थे, आए और
बाबा को यहां पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढहल गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आया और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की असमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे एक हफ्ते का खाना हो गया, मां आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्म गुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहां से निकलती है। तो वो दे दिया था, उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है, शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं बड़े हैं रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का याद नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हों। बहुत अच्छा मैसेज था इसमें कि आपको अपने मुल्क की, अपने कंट्री की अहमियत तभी पता चलती है जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं और आपके साथ कैसा बिहेव होता है। कुछ लोग वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ बहुत रूड मिलते हैं, कुछ तो आपको मतलब मारपीट भी इंडियन पाकिस्तान के साथ अदर कंट्रीज में होती है, सही तरह जॉब्स नहीं मिलती नहीं और हमसे इतना काम करवाते हैं अदर कंट्रीज वाले और पता नहीं कैसे कैसे हमारे पास ऊपर लॉ लगाते हैं, जैसे सऊदीया हो गया इस तरह की कंट्रीज में हमसे सारा कुछ करवा लेते हैं, हमें उतना नहीं देते जितना हम काम करते हैं। तो जब हम आते हैं पाकिस्तान या इंडिया तो तब हमें उस चीज की अहमियत का, उसकी वैल्यू का पता चलता है कि पाकिस्तान या इंडिया जो हमारे अपने कंट्री जहाँ से हम पैदा हुए हैं उनकी कितनी वैल्यू, तब ही बंदे को पता चलता है जब उनके साथ बीतती है। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान या इंडिया में रहती हैं और जो आजकल की नौजवान नस्लें हैं, लाइक कह रहे हैं कि टीनएजर्स, उनका ड्रीम होता है जी मैं फलाने कंट्री में जाऊँगा, फलानी कंट्री में जाऊँगा, मैं वहाँ जाके ऐसे लिविंग स्टाइल जो है वो कैरी करूँगा, वहाँ जाके ऐसा लिविंग स्टाइल कैरी करूँगा। हम ये सारे ड्रीम्स देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन पूछे उनसे जो वहाँ जाते हैं और फिर पता नहीं उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या स्टेप लिया। कुछ होते हैं जिनकी लक बहुत अच्छी होती है और वो गेन करते हैं नो डाउट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जाके वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, वहाँ जाके वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते। और दूसरा इसमें पॉइंट ये था, इसने बड़ा अच्छा क्लियर किया एग्जांपल देके कि किसी ऑथर ने कहा था कि हम अपने घर को खूबसूरत देखना चाहते हैं और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे इसको खूबसूरत कहें,
वो उसी वक्त पॉसिबल है जब हम अपने इर्द गिर्द ब्यूटी पैदा करेंगे। ब्यूटी कैसे पैदा? नहीं एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री हूँ। सबसे पहले अगर ब्यूटी पैदा करनी है ना, तो इंसान को खुद अपने अंदर से ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। अगर वो अंदर से सेटिस्फाई है और वो इस चीज की चाह रखता है, देन पॉसिबिलिटी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को भी वैसा कर ले। हमारे मुल्क की, हमारे दोनों मुल्कों की, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे रहते हैं। हमारी ब्यूटी यही है हमारे दोनों कंट्रीज की, हम सारे मिलजुल के रहें। बिल्कुल। अगर जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के साथ मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर दूसरा मुल्क उसके बारे में कुछ कह रहा है तो हम सारे इकट्ठे होकर उसको रिप्लाई करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इसमें खूबसूरती है। बिल्कुल। तो ये उसका कहने का मकसद था कि हाँ, अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग बातें करें कि इंडिया खूबसूरत है, तो हमको अंदर में, अपने अंदर जो हमारे मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडियन, हिंदू हैं, सिख हैं, उन सबको मिलजुल के रहना चाहिए। उससे खूबसूरती पैदा होगी और खूबसूरती पैदा होगी तो हमें अच्छा लगेगा और दूसरे लोगों को फिर अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और बहुत अच्छे मैसेज के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये जो मोहम्मद हैं, इनकी स्टोरी मेकिंग बहुत अच्छी थी, दैट वाज टोटली अमेजिंग। और ट्रू स्टोरी थी ना, ट्रू स्टोरी फिर ऐसे होती है। लेकिन एक मिनट, ट्रू स्टोरी जो भी हो, लेकिन जो आपका अंदाजे बयां होता है ना, अच्छा वो बहुत आउट क्लास हो ना, तो फिर जो अगर आप एक छोटी सी बात को भी लेके चले ना, तो वो भी बहुत असर करती है। तो जिस तरह से मोहम्मद ने स्टोरी को डिस्क्राइब किया, टोटली अमेजिंग। और मेरे तो सच में इस वीडियो को देखते हुए रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू रिएक्ट अबाउट दैट। तो खैर, बहुत अच्छा मैसेज था कि इंडिया में हर जगह मिलजुल के रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए। जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमें अपने कंट्री का एहसास होता है। बेसिकली ये इसका टाइटल था, प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया। और वाकई नो डाउट, हमें, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमें उस मुल्क में रहते हुए उस मुल्क की नेशनलिज्म के साथ हमें इस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से सिर्फ अपने कानून को मानते हुए बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अगर हम यही बाहर जाते हैं तो वहां पे पता नहीं क्या डिफरेंट डिफरेंट कानून होते हैं कि जी आपने इन रूल्स को फॉलो अप करना है, इन रूल्स को फॉलो अप करना है, मतलब आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। चले खैर, बहुत अच्छी वीडियो थी, देख के मजा आया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें, टिल देन। और प्लीज हमारी ये वीडियो उसको देखना मत भूलिएगा। नीचे हमारे दोनों चैनल्स आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस चैनल्स, और ऊपर हमारी वीडियोस हैं, उनको भी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलजुल के रहें, इंडिया को साफ रखें, और जहां भी रहें खुश रहें। बिल्कुल।